भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है उसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है तथा इसे कोजागर या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महर्षि वाल्मीकि की जयंती भी मनाई जाती है। इसके अलावा शरदोत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है तथा इस दिन ब्रज मंडल में प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी गोपिकाओं के साथ रास रचा था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग नामों से इस पूर्णिमा को जाना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसा भी बताया गया है कि इस दिन समुद्र मंथन के माध्यम से माता महालक्ष्मी का प्रागट्य हुआ था। इस साल कुछ पंचांगों में पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर बुधवार को बताई है, वहीं कुछ पंचांगों में 17 अक्टूबर गुरुवार को भी बताई गई है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसी कारण इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ देने का विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में दूध या खीर रखा जाता है और उसका भोग भगवान को लगाने के बाद में पूरे परिवार को प्रसाद वितरण किया जाता है। एक प्रकार से अमृत तुल्य खीर हो जाती है, क्योंकि इस खीर का प्रसाद जो कोई भी ग्रहण करता है उसके शरीर की सारी आदि व्याधि अला बला और बीमारियां समाप्त हो जाती है तथा माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। जो भक्तजन माताएं बहने शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, स्नान दान करते हैं और रात्रि में माता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके घर में अष्ट लक्ष्मी का निवास रहता है। दसों दिशाओं से माता महालक्ष्मी का उनके घर में आगमन होता है तथा किसी भी वस्तु की उनके घर में कमी नहीं रहती है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में रहने से सभी प्रकार की बीमारियां समाप्त हो जाती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा इस बार 16 अक्टूबर 2024 को है। सनातन धर्म में इस दिन कोजागर व्रत रखा जाता है। इस व्रत को कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना गया है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 16 अक्टूबर 2024 बुधवार की रात को 8:41 से हो जाएगा और 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार की शाम को 4:56 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए व्रत की जो पूर्णिमा रहेगी, चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा रहेगी, शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा वो 16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन ही रहेगी, लेकिन स्नान दान और कार्तिक स्नान आरंभ करने की जो पूर्णिमा रहेगी वो 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन रहेगी, क्योंकि उदिया तिथि के अनुसार पूर्णिमा जो है 17 अक्टूबर को है और चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है वो 16 अक्टूबर को है। इसलिए यदि आप पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं, शरद पूर्णिमा की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, शरदोत्सव मनाना चाहते हैं, रासोत्सव मनाना चाहते हैं, या आपके घर परिवार में शरद पूर्णिमा की रात्रि को विशेष पूजन अर्चन होता है, तो आपको ये सभी कार्य 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को ही करना चाहिए। और कार्तिक स्नान की जो पूर्णिमा है, कार्तिक स्नान प्रारंभ करने का जो दिन रहेगा वो 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार का दिन रहेगा। इस दिन स्नान दान का सबसे सर्वोत्तम ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो 4:43 से लेकर के 5:33 तक का रहेगा, क्योंकि 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा है और 16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा के उदय के समय पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का उदय शाम को 5:05 पर हो जाएगा।
लक्ष्मी पूजा, शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 बुधवार की रात को 11:42 से लेकर के 12:32 तक आपको कर लेना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात में देवी माता लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन होता है और पृथ्वी पर वो भ्रमण करती है। इस दौरान देवी सभी से पूछती है कि कौन कौन जाग रहा है, यानी कोजागर, कौन कौन जाग रहा है और कौन कौन सो रहा है। जो जागता है उसका घर धन धान्य से देवी लक्ष्मी परिपूर्ण कर देती है। रात्रि में देवी लक्ष्मी की पूजा करने वालों पर धन की अपार वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि वह रात्रि है जब भगवान श्री कृष्ण और ब्रज मंडल की गोपियां के बीच में महारास लीला का आयोजन किया गया था। इस रात को भगवान कृष्ण ने ऐसा रास रचाया कि भगवान शिव भी स्वयं को रोक नहीं पाए और दिव्य नृत्य देखने के लिए गोपी का रूप धारण करके वहां पर पहुंच गए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो अन्य दिनों के मुकाबले आकार में बड़ा और औषधि गुण प्रदान करने वाला चंद्रमा माना जाता है। चंद्रमा की किरणों से इस रात्रि में अमृत की बरसात होती है। यही वजह है कि इस रात्रि में पारंपरिक रूप से गाय का दूध और चावल की खीर बना करके उसे संपूर्ण रात्रि के लिए चंद्रमा की रोशनी में यानी चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है, जिससे उस खीर में चंद्रमा के औषधि और देवी गुण समाहित हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा को सफेद चीजों का दान करना चाहिए, क्योंकि सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से होता है। इसलिए इस दिन में या रात्रि में चावल, दूध की खीर चांदी के बर्तन में खाने से कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर का भोग लगाने की परंपरा है। चंद्रमा की किरणों के प्रभाव से खीर का अमृत बनना भी माना जाता है। खीर को कांच, मिट्टी या चांदी के बर्तन में ही रखना चाहिए, अन्य धातुओं का प्रयोग न करें। शरद पूर्णिमा के दिन घर में किसी भी तरह का झगड़ा, कलह, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। शरद पूर्णिमा वाले दिन और रात्रि में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और तेज प्रकाश के साथ में चंद्रमा के दर्शन होते हैं। इस रात्रि में चंद्रमा को अर्घ प्रदान करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी का प्रागट्य माना गया है, इसलिए इस रात को माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती है और सभी भक्तों को मन वांछित आशीर्वाद प्रदान करती है। यदि आप रात के समय एक शुद्ध घी का दीपक जला करके और पूर्व दिशा की तरफ रख करके आंख बंद करके हाथ जोड़ करके माता महालक्ष्मी का आवाहन करेंगे और पूजन करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, दसों प्रकार की लक्ष्मी आपके घर में आने लगेगी। शरद पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की विशेष पूजा और कथा करनी चाहिए या ब्राह्मण देवता के मुख से सुननी चाहिए और शरद पूर्णिमा की भी कथा का श्रवण किया जाता है। शरद पूर्णिमा की जो कथा है उसमें बताया गया है कि एक साहूकार को दो पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत रखती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत रखती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। उसने ज्योतिषियों से, विद्वान पंडितों से प्रश्न किया कि इसका क्या कारण है। उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने विद्वानों, ज्योतिषियों और पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसके यहां एक पुत्र प्राप्त हुआ जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुला करके लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया।
बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चे को जैसे ही घाघरा का स्पर्श हुआ तो वह रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही पुण्य प्रताप से, तेरे भाग्य से यह जीवित हो गया है। और तूने जो पूर्णिमा का संपूर्ण व्रत किया है उसके पुण्य प्रताप से ही इसको जीवन दान प्राप्त हुआ है। उसके बाद पूरे नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी शरद पूर्णिमा का व्रत करेगा उसकी संतान को लंबी आयु प्राप्त होगी तथा उसको कभी भी संतान का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा तथा घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। इसलिए सभी भक्तजन माताओं बहनों को सभी पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। और यदि सभी पूर्णिमाओं का व्रत नहीं कर पाते हैं तो शरद पूर्णिमा का व्रत रख करके इस दिन चंद्रमा का पूजन, माता महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है वो अपने आप में स्वयं सिद्ध दिन माना जाता है। यदि आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, मांगलिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं या नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन इस कार्य को आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है वो 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को है, जो कि व्रत की पूर्णिमा रहेगी, शरद पूर्णिमा रहेगी। और सभी प्रकार से पूर्णिमा का जो पूजन अर्चन करना है वो पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन ही रहेगी। और 17 अक्टूबर को उदय व्यापिनी यानी सूर्योदय व्यापिनी जो पूर्णिमा है वो रहेगी। गुरुवार के दिन यदि आप पूर्णिमा का दान करते हैं, स्नान करते हैं या कार्तिक स्नान का आरंभ करना चाहते हैं तो आपको 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार को करना चाहिए। वहीं शरद पूर्णिमा से संबंधित सारे पूजन पाठ आदि कर्म आपको 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को करना है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप हमारे माध्यम से पूर्णिमा का पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं, शरद पूर्णिमा पर विशेष खीर का वितरण करवाना चाहते हैं या शरद पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं या फिर शरद पूर्णिमा के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, वस्त्र दान, अन्न दान, गोदान, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से नगद धन राशि पहुंचा करके शरद पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।